वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जिसके आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम रॉम के बारे में, जैसे कि रेडमी नोट 7 प्रो में। तो यहाँ पे आपको जो है वन प्लस 6 का आपको यहाँ पे पोर्ट मिल जाता है रेडमी नोट 7 प्रो के लिए। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे एंड्रॉयड 10 मिल जाता है, 1 फरवरी का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, जैसे कि एक लेटेस्ट बिल्ड आता है जैसे कि ऑक्सीजन OS रेडमी नोट 7 प्रो के लिए। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इस रोम में आपको यहाँ पे क्या क्या बग्स देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे स्टेबल है ये रोम की बग्स आपको इसके अंदर मिलता है। तो यहाँ पे सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला, जैसे कि कैमरा टू API अनेबल मिलता है कि नहीं मिलता है, आपको यहाँ पे कैमरा कौन सा मिलता है, उसके बाद जो है एंट्रॉयड बेंचमार्क स्कोर की भी बात करूँगा, उसके बाद जो है PUBG की भी बात करूँगा। यहाँ पे आपको सभी फ्यूचर्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हो। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लो जो कि यहाँ पे एंड्रॉयड बेंचमार्क स्कोर से। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे एंड्रॉयड बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलेगा 1,76,000, जो कि एज़ कम्पेयर टू MIUI 11 आपको यहाँ पे थोड़ा स्कोर कम देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे गूगल कैमरा सपोर्टेड है, उसके बाद यहाँ पे आप रिकॉर्ड भी कर पाओगे जैसे कि वीडियो 4K तक। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है जैसे कि पैनोरामा लेंस प्लस फोटोज़ के फोटो बूथ, और स्लो मोशन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है लेकिन वो वर्क नहीं होता है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे टाइम लैप्स लेंस और यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट कैमराज नाइट मोड सभी यहाँ पे वर्किंग है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो कि वन प्लस का कैमरा भी मिल जाता है, उसके अंदर आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट तो वर्क नहीं होता है, यहाँ पे नाइट स्केप, उसके बाद जो है प्रो मोड, उसके बाद टाइम लैप्स, यहाँ पे पैनारामा और यहाँ पे स्लो मोशन भी इसके अंदर वर्क होता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है, आप फोटोज़ भी ले सकते हो। और जो कि इसके अंदर ये कैमरा इनबिल्ट नहीं मिलता है, आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको गैलरी मिल जाता है, गैलरी भी वर्किंग है। तो यहाँ पे जो है एक स्टेबल वर्जन नहीं है लेकिन ये बीटा में है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेबल वर्जन देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे हेडफोन भी यहाँ पे कनेक्ट होता है जैसे कि ब्लूटूथ हेडफोन आप देख सकते हो। उसके बाद जो है सभी यहाँ पे वर्किंग है, जो कि यहाँ पे पहले अपडेट में ब्राइटनेस वर्क नहीं होता था, यहाँ पे अभी ब्राइटनेस वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं कस्टमाइजेशन और यहाँ पे फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक की भी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो वाईफाई और यहाँ पे आपको वोल्टी कॉल्स यहाँ पे सपोर्टेड है जैसे कि इसके अंदर, और यहाँ पे आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो। वाईफाई कॉलिंग का भी सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, देख सकते हो डुअल चैनल नेटवर्क एक्सेलेटर, इसके अंदर आपको यहाँ पे फ्यूचर्स मिल जाता है। उसके बाद डेटा यूसेज, हॉटस्पॉट्स, एरोप्लेन मोड, VPN, प्राइवेट DNS, उसके बाद ब्लूटूथ, स्क्रीन कास्ट, प्रिंटिंग और क्रोमोक से भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। डिस्प्ले के अंदर अडेप्टिव ब्राइटनेस, स्लिप टाइम 30 मिनट तक का मिल जाता है, स्क्रीन कैलिब्रेशन जैसे कि आप यहाँ पे वेवेड, नेचुरल, एडवांस आप यहाँ पे रख सकते हो। नॉच डिस्प्ले, जैसे कि अगर आप यहाँ पे नॉच को हाइड करना चाहते हो तो हाइड भी कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नॉच को शो करना है तो शो भी कर सकते हो। यहाँ पे ओके डिस्प्ले में आपको यहाँ पे एप्स टू डिस्प्ले इन फुल स्क्रीन, उसके बाद जो है नाइट मोड और रीडिंग मोड, उसके बाद जो है वीडियो एनहेंसर, जैसे कि आप यहाँ पे सेचुरेशन कलर को बढ़ा सकते हो, यहाँ पे वीडियो एक्सपीरियंस आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो एम्बिएंट डिस्प्ले, उसके बाद फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, LED नोटिफिकेशन, स्टेटस बार, जो कि यहाँ पे बैटरी बार को आप जो है बैटरी सर्कल कर सकते हो, सर्कल से आप हाइड भी कर सकते हो। उसके बाद परसेंटेज शो कर सकते हो, डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड आप यहाँ पे एनेबल कर सकते हो। उसके बाद स्क्रीन शेवर, उसके बाद जो है रोटो रोटेशन, उसके बाद जो है कस्टमाइजेशन में आपको यहाँ पे ऑप्शन जाता है जैसे कि वॉलपेपर चेंज करने का। उसके बाद आप यहाँ पे सिस्टम कस्टमाइजेशन कर सकते हो जैसे कि एक्सेंट, कलर, ट्यून, यहाँ पे शेप, यहाँ पे ऑकॉन पैक, उसके बाद जो है फॉन्ट, उसके बाद साउंड में यहाँ पे वर्किंग है जैसे कि यहाँ पे हेडफोन में यहाँ पे इनबिल्ट है लेकिन यहाँ पे वर्किंग है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अंदर कुछ आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्यूचर्स भी मिल जाता है जैसे कि एयरफोन मोड में आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटो प्ले, उसके बाद स्मार्ट आंसर फॉर ब्लूटूथ स्पीक, कॉलर ID, जो कि अगर आप यहाँ पे कोई आपको कॉल करता है तो यहाँ पे आपका जो है नेम यहाँ पे जो कि उसका जो आपको यहाँ पे कॉल करता है उसका नाम यहाँ पे आपको बोलेगा। उसके बाद जो है फ़ोन रिंगटोन वाइब्रेट, उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है बटन्स एंड जिक्सर्स, यहाँ पे अलर्ट, स्लाइडर, उसके बाद जो है नेविगेशन बार एंड जिक्सर्स, बैक, होम, रिसेंट, उसके बाद अगर आप यहाँ पे जैक्सेस यूज़ करना चाहते हो तो जैक्सेस भी यूज़ कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे आप बटन्स को यूज़ करना चाहते हो तो बटन्स को यूज़ कर सकते हो, क्विक जैक्सेस, फ्लिप टू म्यूट, 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइज टू वेक, डबल टैप टू वेक, यहाँ पे म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे जैक्सेस से ही, यहाँ पे आपको क्विक एक्टिवेट दिस असिस्टेंट ऐप, उसके बाद जो लॉन्ग प्रेस टू टेक अ फोटो, और उसके बाद जो है ऐप्स और नोटिफिकेशन में डिफ़ॉल्ट ऐप को चेंज कर सकते हो, नोटिफिकेशन को डिसेबल कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे कोई एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो यहाँ से ही आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाता है जैसे कि सिक्योरिटी एंड लॉक स्क्रीन, जैसे कि पासवर्ड एंड फेस अनलॉक। तो यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट आपको फेस अनलॉक बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो फेस अनलॉक इंस्टेंट अनलॉक हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है।
यहाँ पे मैं अभी फिंगरप्रिंट बता देता हूँ। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी प्रॉपरली वर्क हो रहा है, यहाँ पे फास्ट वर्क हो रहा है। उसके बाद स्मार्ट लॉक आपको मिल जाता है यहाँ पे, सिम को आप यहाँ पे लॉक भी कर सकते हो। ओके उसके बाद जो है डिवाइस एडमिन ऐप इंक्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ट्रस्ट एजेंट्स। उसके बाद जो है स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन भी इसके अंदर आपको मिल जाता है, प्राइवेसी लोकेशन बैटरी। तो बैटरी यहाँ पे मैं बात कर लूँ, जो कि अगर आप यहाँ पे बेस्ट बैटरी बैकअप रोम चाहते हो तो बेशक इसके साथ जा सकते हो, जिसकी बैटरी बैकअप इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। स्टोरेज अकाउंट्स एक्सेस डिजिटल वेलबींग, डिजिटल वेलबींग में आप यहाँ पे ट्रैक कर पाओगे दिन भर आपने यहाँ पे क्या किया था। यहाँ पे मैं आपको पबजी का गेम प्ले भी आगे बता दूंगा। उसके बाद जो यूटिलिटीज़ में ऐप लॉक आपको यहाँ पे मिल जाता है, डुअल आपका सपोर्ट भी मिल जाता है। उसके बाद जो है शेड्यूल पावर ऑन ऑफ, उसके बाद पॉकेट मोड, यहाँ पे वन प्लस लाइब्रेटरी, उसके बाद जो है क्विक रिप्ले इन लैंडस्केप। यहाँ पे अगर आप कोई वीडियो देखते हो तो यहाँ पे क्विक रिप्ले भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एक्सेसिबिलिटी लैंग्वेज डेटा एंड टाइम बैकअप रीसेट OTG, यहाँ पे एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे रैम बूस्ट का ऑप्शंस भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। यहाँ पे वन अबाउट में देख सकते हो, जैसे कि वन प्लस सिक्स का पोर्ट आपको यहाँ पे रेडमी नोट 7 प्रो के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं एक गेमिंग रिव्यू भी दे देता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे गेमिंग मोड का भी सपोर्ट इसके अंदर मिल जाता है, जैसे कि देख सकते हो गेमिंग मोड। तो यहाँ पे मैं एक TDM प्ले कर लेता हूँ, जैसे कि आपको पता चल जाएगा गेमिंग परफॉर्मेंस इस रोम का कैसा है। ओके थोड़ा यहाँ पे पिंग है कौन है और के कारण यहाँ पे थोड़ा लैग हो रहा है। पिंग थोड़ा है ही है भाई, टीम अप करने के चक्कर में हो। अरे पिंग कितना है ये भाई, NSX68 पिंग। Team is unstoppable!
अगर आपके गन में कभी भी ऐसा हुआ तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं बताता हूँ। आपको एक गन को यहाँ पे फेंक के फिर आप उठा देना है, इतना ही। आपका बुलेट से यहाँ पे वापस आ जाएगा। पिंग यहाँ पे आप देख सकते हो 400। यहाँ पे देख सकते हो इस रोम का परफॉर्मेंस, और आपको यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग जो है सेम मिल जाता है, EMUI जो मिलता है। और यहाँ पे इस रोम के बारे में यहाँ पे बता चुका हूँ थोड़े बहुत। आपको यहाँ पे बग्स देखने को मिलता है, जैसे कि कैमरा के अंदर आपको यहाँ पे बग्स देखने को मिलता है। उसके बाद जो है सभी यहाँ पे वर्किंग है, यहाँ से तो मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा मेजर बग तो देखने को नहीं मिला। कॉलिंग्स भी यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे जो है नेटवर्क में भी कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि एक स्टेबल यहाँ पे रोम देखने को मिलता है। परफेक्ट स्टेबल नहीं है, थोड़ा आपको यहाँ पे स्टेबल देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए। जैसे कि रेडमी नोट 7 प्रो के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हो, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।